Hi guys, welcome back वेलकम बैक टू channel. यूट्यूब चैनल video, वीडियो वी गी डूइंग अ वेडिंग गेस्ट गेट रेडी विथ मी इस दिन मुझे सच में शादी पर जाना था और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी हमेशा की तरह मुझे सिर्फ पंद्रह मिनट में तैयार होना पड़ा और मैं लिटरली पंद्रह मिनट में मैंने अपना मेकअप किया है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शीग लैम के लिप टेंट से और थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ तब तक लिप टेंट अपना कलर छोड़ देगा लिप्स पर तो मैंने ये मैक का हाइपर रियल सीरम लगाया है ये मेरा फेवरेट बन चुका है बिकॉज़ वैसे ही मुझे प्यार में आया था बट मुझे ये पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा तो मुझे खरीदना पड़ेगा इसका बड़ा बॉटल नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग सम मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेटिंग आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर एलेवन हो गए थे और हमें 45 50 तक निकलना था मैं करी हूँ अपने आईब्रोज और टेंट उतार रही हूँ एंड आई एम यूजिंग द री कोर का इस ऑफ बेस प्राइमर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब से मैंने ये न्यू प्रोडक्ट्स वीडियो में यूज़ किया था तो हम अच्छी तरह से इसको अपने टीजोन पर अप्लाई करेंगे आप देख सकते हो माई स्किन इज़ नॉट बिहेविंग रियली वेल आई एम यूजिंग द एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर ये मैंने स्पेशली अपने शेड में दोबारा ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे पास जो पहला था प्रोडक्ट ये वाला उसका शेड अलग था और ये वाला शेड एकदम परफेक्ट है मेरी स्किन टोन के लिए एंड ये अंडर नीथ मेकअप लुक्स रियली रियली प्रटी बहुत ही अच्छा सा ग्लो दे देता है फेस को एंड थोड़ा सा इवन टोन भी कर देता है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट अप्लाई दैट, बट मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन भी अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल मैंने हाफ पम्प यूज़ किया है फाउंडेशन का एंड अच्छी तरह से ये मार्स के ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस लुक के लिए मैंने कोई कंसीलर नहीं यूज़ किया बिकॉज मुझे ऐसे ही आ, अच्छा लग रहा था क्योंकि ये डे का फंक्शन था तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं अप्लाई करना था तो मैंने इस कंसीलर को स्किप कर दिया और मैं ये शी ग्लैम का क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ जो मेरा करंट फेवरेट कॉन्टोर है एंड नोज पर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया था और थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर मैंने अपने जो मार्क्स थे उनको भी कवर कर लिया एंड लेमेल्क का लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल आप देख सकते हो इसका फिनिश भी बहुत ज़्यादा पिटी है तो हम अच्छी तरह से पूरे बेस को ब्लेंड कर लेंगे दोबारा से एंड सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट मैक का लूज पाउडर ये बहुत अच्छी तरह से स्किन को मैट कर देता है तो ज़्यादा भी नहीं करता बट काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है बेस उसके बाद आई एम यूजिंग द एनेस्ताजिया का आई शेडो पैलेट क्योंकि मुझे बिल्कुल ही सिंपल सा लुक करना था तो इसके शेड्स ठीक ठाक हैं तो मैंने ये यूज़ कर ली उसके बाद मैं शी ग्लैम का लिक्विड आई शेडो यूज़ कर रही हूँ इसने एक्चुअली ये क्रैक हो गया था फंक्शन के एंड तक तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत सुंदर

लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ लव अर्थ का सारे प्रोडक्ट्स के नेम्स एंड शेड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट लास्ट में मैं मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज़ करती हूँ जस्ट टू कंपाइल द लुक टुगेदर और कहीं पर भी अगर थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो बेस में तो वो करेक्ट हो जाती है इससे एंड देन लास्टली आई एम यूजिंग द पैक का ट्वेंटी फोर आवर्स सेटिंग स्प्रे इसने मेरे मेकअप को काफ़ी देर तक लॉक करके कर रखा मेरे बेस को बट मेरा आई लुक खराब हो गया था एंड तक एंड दैट्स इट गाइज दैट इज़ इट फॉर द लुक हेयर डू मैंने यही रखा था बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं था कुछ भी करने का एंड दैट इज़ इट फॉर द लुक ले मे नो वर यू आई थिंक डोट फुटेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय